इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। देखिए, यहाँ पर तीन प्रॉब्लम आती हैं व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट से रिलेटेड। देखिए, यहाँ पर मैं तीनों को आपको बताऊंगा, तीनों का सलूशन बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर जब आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर लिखवाता है टू यूज़ दिस फीचर यू नीड सेटअप योर फिंगरप्रिंट योर फोन फर्स्ट। देखिए, दूसरा यहाँ पर आपके सामने है जो आपसे कहता है कि कंफर्म कर दे, लेकिन फिंगरप्रिंट आपको बताता है कि हार्डवेयर में दिक्कत चल रही है, यानी कि इस तरीके से लिखा हुआ आता है, फिंगरप्रिंट हार्डवेयर नॉट अवेलेबल। तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ आता है। तो इन इशू को कैसे सॉल्व करें, और सबसे लास्ट का जो इशू है वो यहाँ पर ये है कि जब आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो वो आपके फ़ोन में शो ही नहीं कर पाता है। तो इन तीनों प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ये हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट इशू के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर हैं, तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट को हम लगाने की कोशिश करते हैं अपने फ़ोन में। सेटिंग्स में जाते हैं, अकाउंट में जाते हैं, प्राइवेसी में जाते हैं, और उसके बाद सबसे नीचे जाने के बाद फिंगरप्रिंट लॉक हमें मिल जाता है। इसको हम क्लिक करके यहाँ पर इसे ऑन करते हैं तो यहाँ से ये मांगता है यस एरर। तो इसे सॉल्व कैसे करें, सबसे पहले वन पॉइंट पर आते हैं कि इसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमें अपने फिंगरप्रिंट को लगा लेना होगा अपने फ़ोन के अंदर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये वाला इशू हमारा नहीं आएगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। तो किसी भी फ़ोन के अंदर अगर फिंगरप्रिंट है तभी ये इशू को सॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमारे फ़ोन में फिंगरप्रिंट है तो मैं उसको पहले लगा लेता हूँ और उसी से ही ये प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज़ कोई और प्रॉब्लम नहीं रहती। अब यहाँ पर मैं लॉक स्क्रीन पासवर्ड पर गया, ऐड फिंगरप्रिंट पर गया, और यहाँ से आपको ब्लैक दिख रहा होगा, यहाँ पर सिर्फ हमारा पासवर्ड है, उसको मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। अब यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट को लगा देना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको अपना फिंगर्स लगाता हूँ अपने फिंगरप्रिंट लॉक पर। तो जैसे ये बढ़ रहा है उसके बाद इसे डन कर दीजिए, यानी कि अब हमारा फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। मैं जाता हूँ सीधा डायरेक्टली व्हाट्सएप के अंदर, जहाँ पर हमारा लॉक नहीं लग रहा था, मैं इसको लगाता हूँ तो इसने मांग लिया कंफर्म करने का। अब यहाँ पर जैसे ही कंफर्म करता हूँ तो ये जो हमारा फिंगरप्रिंट है ये लग जाता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी प्रॉब्लम के बारे में जो यहाँ पर आपके सामने है, जो कि यहाँ पर आपको बता देता है कि फिंगरप्रिंट हार्डवेयर नॉट अवेलेबल। तो ये जो इशू है ये दो कंडीशन से आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों कंडीशंस मैं आपको बिल्कुल ईजिली एक्सप्लेन कर दूँ। तो यहाँ पर जब आप फिंगरप्रिंट लॉक को लगाते हैं, जब भी आपके फिंगरप्रिंट आपने बंद कर दिया होता है तो तब ये इशू आता है। लेकिन ये जो इशू आता है एक और कंडीशन से आता है, और वो सबसे बड़ी है कि आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट ही नहीं होता है। तो ये फीचर आपके में शो करता हुआ होता है बट यहाँ पर फिंगरप्रिंट शो नहीं कर पाता, यहाँ पर फिंगरप्रिंट अवेलेबल नहीं होता हार्डवेयर के अंदर। तो यहाँ पर इस इशू को तो हम साइड में रख देते हैं क्योंकि ये इशू सॉल्व नहीं हो पाएगा। या तो आपका फिंगरप्रिंट ख़राब होगा या फिर आपके जो फिंगरप्रिंट सेंसर है अंदर से ही ख़राब होगा, तो उसको या तो आपको ठीक करवाना पड़ेगा, और फिंगरप्रिंट शायद में भी ठीक नहीं होते। और सबसे लास्ट का जो है यहाँ पर कि फिंगरप्रिंट शो ही नहीं कर पाता। तो देखिए, जाहिर सी बात है जब आपका फिंगरप्रिंट शो यूँ नहीं करेगा, या तो आपने अपडेट नहीं किया होगा अपने व्हाट्सएप को, तो प्ले स्टोर में जाकर उसको अपडेट कर लीजिए। यहाँ पर प्ले स्टोर में जाएंगे और सर्च करेंगे व्हाट्सएप, अगर आपको अपडेट दिखाई देता है तो उसको यहाँ पर अपडेट कर लीजिए। और अगर अपडेट करने के बाद भी आपको नहीं दिखा देता, आप आज अपडेट करते हैं और आगे को आपको नहीं दिखाई देता, तो यहाँ पर मे बी आपके फिंगरप्रिंट ही आपके फ़ोन में नहीं है। तो इन सब रीज़न से ये फिंगरप्रिंट इश्यूज देखने को मिलते हैं व्हाट्सएप के अंदर। मे बी यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।